माँ अम्बे स्टूडियो प्रेजेंस। नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। राणा थारी बकाल सुन ले अकबर तू जो जाए, हल्दी काटी रंगी खून सुनाड़ो पे तो जाए, राणा थारी बकाल सुन ले अकबर तू जो जाए, हल्दी काटी रंगी खून सुनाड़ो चाली मेवाड़ी तलवार ले जा, होना रखे काल राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा। और देखिए ये शूरवीरों की भूमि, यहां पर मानवों ने इंसानों ने बलिदान दिया, पर उनके साथ में जिन्हें हम जानवरों की उपाधि देते हैं, जानवर में गिनते हैं चेतक घोड़े, और महाराणा प्रताप के साथ में जिस प्रकार से उस चेतक ने अपनी जान की बाजी लगा करके अंत समय तक जब तक श्वास तब तक महाराणा प्रताप का साथ दिया, उनको हम एक भगवान का स्वरूप कह सकते हैं, कोई चेतक नहीं कह सकते, कोई घोड़ा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये ऐसी भूमि है जहाँ पर इंसान तो बलिदान के लिए तैयार रहता है, पर एक चेतक एक घोड़े ने भी बलिदानी देकर के ये बता दिया कि ये शूरवीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, और यहाँ पर बलिदान देना, भारत माता के लिए बलिदान देना हमेशा सब तत्पर रहते हैं और तत्पर रहते आए और किसी को गुलामी नहीं करने दी। और उस वक्त महाराणा प्रताप के चेतक ने किस प्रकार साथ दिया, चेतक चढ़ गयो हाथी ऊपर मान सिंह घबराए, बालो फेंक्यो महाराणा जद ओहद टूट्यो जाए, चेतक चढ़ गयो हाथी ऊपर मान सिंह घबराए, वो फालो फेंक्यो महाराणा जद ओहद टूट्यो जाए, रण में घमासान मच जाए बेरी, रण सुभाया जाए राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। और एक बार गाइए, नीले घोड़े असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। नीले घोड़े
नीले घोड़े रा असवार मारा। और देखिए एक भाई भाई का प्रेम, शक्ति सिंह दुश्मनों के साथ में महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और जब महाराणा प्रताप को देखा जूझते हुए कि मेरा भाई आज इस मातृभूमि के लिए जूझ रहे हैं और अपने परिवार के साथ में महल को छोड़ दिया, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, महाराणा प्रताप को लड़ते हुए देख शक्ति सिंह को बड़ी दया आई कि आज मेरा भाई मेरे सामने और मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया। उस समय शक्ति सिंह की नजर झुक गई और शक्ति सिंह चरणों में गिर पड़ा और कहा, शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो चरण में जा, जो वचन न मुंडे आए। जब महाराणा प्रताप को रण में लड़ता हुआ देखा उस समय शक्ति सिंह को शर्म आ गई कि मेरा भाई सामने मैं कैसे लड़ूं, और मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मैं दुश्मनों के सामने दुश्मनों के साथ में खड़ा हूं और मेरे भ्राता के भाई के विरोध में खड़ा हूं। उस समय शक्ति सिंह की नजर झुक गई क्योंकि अब महाराणा प्रताप को बतलाए तो बतलाए किस मुंह से। उस समय शक्ति सिंह ने पैरों में पड़ते हुए कहा, वो धोन्यू आसूड़ा धड़का युवारी, वो धोन्यू आसूड़ा धड़का युवारी, बाह गुण छुड़ा युराणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी जीवन में जो सबसे बड़ी दिल में जो बात गहरी उतर गई, जिसने हृदय में गांव कर दिया, जिस समय महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ में जंगलों में और महाराणा प्रताप ने घास फूस की रोटियां खाई, उस समय अमर सिंह के हाथ में घास की रोटी और अमर सिंह रोता हुआ बिलखता हुआ, क्योंकि राजा महाराजा और कभी ऐसे दिन नहीं देखे और एक दिन जंगल में रहना पड़ा, घास फूस की रोटियां स्वीकार करनी पड़ी। उस समय महाराणा प्रताप को खुद पे बड़ी घृणा आई। महाराणा प्रताप ने विचार किया कि क्या मैंने इसी दिन के लिए राजपाट छोड़ा था, क्योंकि महाराणा प्रताप की जीवन की एक ही बड़ी बात थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानना सीखा। उन्होंने यही सोचा कि सिर कटेगा तो चलेगा पर झुकना नहीं चाहिए। और जब मन का बिलाव उस अमर सिंह के हाथ से रोटी छीन करके भाग गया, उस समय अमर सिंह जी रोते हुए बिलखते हुए, और जब महाराणा प्रताप ने उस छोटे से बच्चे की छवि देखी, अपने परिवार में एक छोटा बच्चा होता है वो किसी भी चीज खाने के लिए जिद करता है तो हम उसको 5 मिनट में दे देते हैं, पर महाराणा प्रताप उस समय अपने अमर सिंह बेटे को रोता हुआ बिलखता हुआ देख रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप की आंखें भर आई और महाराणा प्रताप ने एक ही विचार किया कि मैं आज जीत कर भी हार गया, क्योंकि जिस मातृभूमि के लिए मैं बलिदान दे रहा हूँ आज मेरा परिवार पीछे घास फूस की रोटियां भी नहीं खा पा रहा है। उस समय महाराणा प्रताप ने मन में सोचा, Thank you.
जब याद करूं खली भी गाड़ी नेड़ा मेरा तू दरिया में सुख दुख रो साथी चेतकियो सूती सी हूं उठा जावे हरे का सिरी रोटी ही जग लवी तामड़ो ले भाजो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो पर आज की लखी तो देखो लाज कुवारी ने रोटी में महाराणा प्रताप उस समय सारे संकल्प भूल गए थे जिस समय अमर सिंह जी रोते हुए उस समय महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं आज कहीं ना कहीं भूल रहा हूं मैं आज भी लख पर आज भी लख तो देखो जद राजकुंवर ने रोटी ने मैं आज भी लखी तो देखो जद राजकुंवर ने रोटी ने शफरी करम ने भूलू भूलू हिंदवाणी छोटी ने और अमर सिंह को रोता हुआ देख महाराणा प्रताप ने विचार किया एक समय वो था महलों में विराजमान रहते थे और दिन मनुहार के रोटी आ जाती थी महला में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी सोनारी थालिया नीलम बाजोट बिना रोटी धरता कोनी हरेगा श्री रोटी जद हलदी दामड़ो ले बाजो नानो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो बोलिए महाराणा।